दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम WTC जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने आते ही मैदान में पांचवें दिन के खेल में ऐसी गलती कर दी कि देखकर रोहित द्रविड़ तो छोड़िए पूरा भारत देश रो पड़ा। कैसे दो गेंदों के अंदर दो साल की भारत की मेहनत चकनाचूर होकर रह गई। कोहली और जड्डू का विकेट गिर गया और उसके बाद कैसे सब रो पड़े थे, आपको पूरे वाक्य का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज कोहली और जडेजा की गलती थी या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों 10 साल के ICC ट्रॉफी के इंतजार के बाद आज एक ऐसी उम्मीद थी हर एक भारतीय के मन में जो हमें ICC ट्रॉफी भी दिला दे और वो इंतजार भी खत्म कर दे। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने 280 का टारगेट था और मैदान पे जब किंग कोहली हो तो हर जीत आसान लगती है, जडेजा का समर्थन हो तो ऐसा लगता है कि कोई भी हारा हुआ मुकाबला जीता जा सकता है, लेकिन लगता है कि मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर है। इस मैच में अब तक हमने देखा कि इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पहले 470 रन बनाए जिसके जवाब में हमने 296 रन बनाए थे। खैर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी और भी ज्यादा रन बना सकते थे दूसरी इनिंग में, लेकिन चालाक चतुर पैट कमिंस ने 444 का ही नेट टारगेट दिया क्योंकि वो जानते थे ये लक्ष्य चेजेबल लग रहा है और जब कोई चीज पाने लायक रखती है तो उसके लिए मशक्कत भी उतनी ज्यादा की नहीं जाती, जिसके चलते ज्यादा अवसर बन सकते थे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आउट करने के। और यकीन मानिए पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलियाई टीम का यही मकसद कामयाब भी हो गया। आपको बता दें कि चौथे दिन के खेल में रोहित गिल के साथ साथ पुजारा भी आउट हो गए थे, लेकिन दो खिलाड़ी मजबूत दीवार बनकर मैदान में अभी भी खड़े हुए थे, किंग विराट कोहली 44 रन पर और अजिंक्य रहाणे 29 रन पर। दोनों की पारियां भारतीय फैंस को यही आश्वासन दे रही थी कि जरा रुक जाइए अभी हम मैदान में हैं। और दोस्तों सबको ये लग भी रहा था कि अगर पांचवें दिन के खेल में इन दोनों खिलाड़ियों ने पहला सेशन निकाल दिया तो जीत हमारे कदम चूम सकती है, लेकिन पहले सेशन में आज विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने ऐसी गलतियां कर दी हैं भयानक कि 145 करोड़ भारतीय भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। दोस्तों विराट कोहली 44 से उठकर 49 पर अभी पहुंचे ही थे कि स्कॉट बोलैंड का एक ऐसा मनहूस ओवर आया जिसने हमारे 10 साल के इंतजार को लगता है कि और ज्यादा बढ़ा दिया है। पारी के 47 ओवर की बात कर रहे हैं, अभी तो ओवर शुरू ही हुआ था, बोलैंड की दो गेंदें डली ही थी और जब किंग कोहली ओवर की तीसरी गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक पर आए तो बोलैंड ने एक खास रणनीति कुछ नहीं अपनाई बल्कि विराट कोहली के लेग स्टंप को टारगेट किया। बस फिर क्या होना था, गेंद कोहली के बल्ले का एज लेकर सीधा स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ की तरफ चली गई, लेकिन गेंद की दूरी देखिए स्टीव स्मिथ से, फिर भी डाइव लगाकर स्टीव स्मिथ ने एक शानदार कैच पकड़ा। कैच कुछ ऐसा था कि रवि शास्त्री भी उछलकर बोलने लगे कि भैया स्टीव स्मिथ विराट कोहली का कुछ नहीं छोड़ सकते, चाहे वो एक ब्लाइंडर कैच ही क्यों ना हो। स्मिथ ने अद्भुत कैच पकड़ा, विराट कोहली को आउट किया, लेकिन उसके बाद अगली गेंदों पर जो हुआ उसने सबकी हवाइयां उड़ाकर रख दी। पिछली पारी में 48 रन लगाने वाले रविंद्र जडेजा से कौन उम्मीद नहीं रखेगा, यही तो हमारी टीम के मजबूत स्तंभ थे, लेकिन आते ही ये स्तंभ जीरो पर ठह गया। इस पूरे WTC के टूर्नामेंट में दोस्तों लगभग सारे ही खिलाड़ी एज लगकर आउट हुए हैं। अभी विराट कोहली भी तो वही थे एक गेंद पहले, आते ही जड्डू ने अपने बल्ले का एज लगवाया और एलेक्स कैरी को आसान सा कैच देकर जीरो पर चल दिए। इन दोनों खिलाड़ियों की ये दोनों विकेट देकर ये खुद ब खुद तो मैदान में भावुक थे ही, साथ ही रोहित द्रविड़ भी माथा पीटते नजर आए। अनुष्का ऋतिका भी जो इनका समर्थन करने आई थी वो भी अपना माथा पीटती नजर आई और हर कोई भावुक था क्योंकि इनकी गलतियां शायद माफ करने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और जडेजा की गलती थी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए यहां पर हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।